अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अजलान महमूद मलिक फ्रॉम अजलान ट्रॉनिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा गाइस, आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग A04 की। सैमसंग A04 जो कि एक बजट फ़ोन है और काफ़ी अच्छी प्राइस में अवेलेबल है ये अभी मार्केट्स में, तो उसकी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और ये देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आया है और क्या क्या नहीं है इसके अंदर। ये फ़ोन जो है ये है 4 GB और 64 GB, यानी 4 GB इसकी रैम है और 64 GB जो है इसकी इंटरनल स्टोरेज है। तो अब ज़रा हम फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ोन को हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एक ऊपर ये चीज़ देखने को मिलती है, ये इसके अंदर इसके यूज़र मैनुअल्स होते हैं। ये आपको मैं एक दफ़ा दिखा दूँ, ये इसको हम साइड पर रखते हैं। उसके बाद ये हमारा फ़ोन आता जाता है नीचे। फ़ोन को हम लोग ऊपर से सबसे पहले इसकी रैपिंग शीट हटा देते हैं, प्रोटेक्शन शीट। फ़ोन को हम लोग देख लेते हैं एक दफ़ा, ये देखें बहुत ही अच्छा और प्यारा सा कलर है, कॉपर कलर के अंदर फ़ोन है ये। और ये यहाँ पे इसकी स्क्रीन है, ये IPS LCD है, ये एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। उसके साथ यहाँ पे देखें तो आपको एक अदर टाइप सी का जो है ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और उसके साथ आपको जो है माइक्रो हेडफोन जैक मिल जाता है 3.5 mm वाला। बॉक्स के अंदर हम लोग अगर देख लें कि क्या क्या पड़ा हुआ है, बॉक्स के अंदर हम लोगों को एक सैमसंग का चार्जर मिल जाता है और ये चार्जर जो है ये है 2 amps वाला चार्जर है सैमसंग का, और उसके साथ एक अदर जो है टाइप सी की केबल मिल जाती है। और उसके साथ हम बॉक्स में देखें तो एक हमें ये सेम इजेक्टर पिन जो है ये मिल जाती है। इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। एक चीज़ जो मुझे, बल्कि दो चीज़ें मुझे बुरी लगी हैं इसके अंदर, वो ये है कि इन्होंने ना हेडफोन्स दिए हैं इसके अंदर और ना ही इन्होंने जो है, क्योंकि फ़ोन अभी नया मार्केट में लॉन्च हुआ है तो उसका बैक कवर अभी नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने इसका बैक कवर भी नहीं दिया है और इन्होंने जो है इसके हेडफोन्स भी नहीं दिए हैं इसके साथ। मेरे फादर ने जो है एक सैमसंग का नोकिया का C21 परचेस किया था जो कि 20,000 रुपीज़ का था। उसके अंदर उनको एक बैक कवर भी मिला था और साथ में उनको हेडफोन्स भी मिले थे, लेकिन आई एम सरप्राइज कि सैमसंग वालों ने ये चीज़ें इसके साथ नहीं दी। बस ये दो चीज़ें जो मुझे बुरी लगी, बाकी ओवरऑल फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लगा है ये। तो अब ये फ़ोन अभी नया है, इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया, इसको इंशाल्लाह मैं जब यूज़ करूँगा तो फिर मैं इसका एक यूज़र रिव्यू आपके साथ ले आऊँगा कि फ़ोन किस तरह का है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या नहीं है। सो बस गाइस, आज की वीडियो यही तक थी। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।